मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान तीन नए क्रिमिनल जस्टिस कानून को लागू करने पर चर्चा की गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में पुराने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों ने कानूनों के प्रावधानों का प्रेजेंटेशन दिया है। बैठक के बाद विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पुराने कानून ब्रिटेन की संसद में बने थे और भारत में लागू हुए थे। सभी बेकार बातों को खत्म कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में कुछ बोलने पर कोई धारा नहीं लगेगी। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहा कि 6000 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है। राज्य सरकार ने महिलाओं को 10 साल की छूट और बुजुर्ग 5 साल का छूट दी गई है। स्टाफ की कमी को समय आते आते पूरा किया जाएगा। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्र की सरकार ने पूरी प्रक्रिया के लिए जो आईपीसी पुराना था, इंडियन पेनल कोड, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 ये लागू हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये लागू हुआ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 ये लागू हुआ है। पुराने कानून सारे ब्रिटेन की संसद में बने थे और भारत में लागू थे। पुराने कानूनों में राजद्रोह था, यानी आप किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो आपके खिलाफ राजद्रोह लगता था।